ये दो भेड़ के बच्चे अंकल जी लेके जा रहे हैं, सुनो गपचोदिया मारने आ रही थी थोड़ी अभी संतरे का थोड़ी। जूस पी रहे हैं ये। हाँ एम एम मैंगो। पापा मरे मेरे 110 साल के मरे हैं, 110 साल की उम्र और में। क्या है। हरिओम दोस्तों, दिन के 1 बज रहे और कल रात को मैं मेले से ले आया था खाना, तो अभी वही गर्म किया हमने, खाएंगे और चलते हैं वीर से मेले में फिर। बाल बाल बच रही है लड़की, रोको रोको रोको, चक्कर तो नहीं आ गया। सुनो ओए क्या हुआ, पकड़ो इसको, क्या हुआ ओए ओए सुन दानिया, ये भी बड़ी खुशी आपके सामने है। बारिश वाला मौसम हो गया, ऊपर बारिश हो रही है इलाके में। चावल चोल भी डाल दो, अब क्या डालना इसके ऊपर। थैंक यू। रात को ऐसा होता है, तब वो गिट्टी पड़ेगी दुकान, बिजली पड़ गई ऊपर, तब 5-6 नग डैमेज हो गए आसमानी बिजली से, है ना। मर कल गई। बारिश थी ना तब, 2-3 दिन से बारिश चल रही थी, फिर वो बेच दी, अब पता नहीं दे दी थी भाई आगे, उनका थोड़ा बहुत मिला ही होगा मुझे डैमेज। फिल्म चलो तुरका लग गया। हाँ नहीं नहीं थोड़ा पीछे तेरा है, तेरा नहीं आ रहा पूरा, कितने दिए थे वो, नहीं आ रहा 600 रुपया आ रहा है, कितने आ रहा भाई तू, कर कर हूं पकड़ा है ना, नहीं आ रहा ना, माथे ना लाओ, हां नहीं आ रहे तेरे, बनिया आउनी माया नो के करिए, भेड्डू ले रहे हो आप, हां अच्छा अच्छा भाई, दो कुछ दे दो दे, बस ये मैं ही मुकाबला, मैं रहा पैसे तुम्हारे कमाल करूंगा, क्या हूं क्या बोल रहे हो, अरे भाई देख रहा देख दे तू मेरे पैसे भूल पा यार, और नहीं मांग, मैं ही मुकाबला तुम्हारे तक कमाल करूंगा, तू पैसे ने छीते छूटे जो गए आते मैं आगे तुझे कोई नहीं, अगली बार कर लूंगा मैं, फिर डाल लूंगा रास्ते में, हालत खराब ही बुरी है, देख मिल दे रहा हूं रास्ते में मारे, तू आज के तरह का माड़ी मोटी तेरी कमाल करूंगा यार, भाई तू तू पापा ले ठंड च लगे मरने, ठंड दौड़ बैठ तू 4 बजे बैठो किसी माड़ी मोटी की तरह ये दो भेड़ के बच्चे अंकल जी लेके जा रहे हैं। ये कितने महीने का है ये वाला, कितने का है भाई तू, है 25-28 दिन का होना है, 25-28 दिन का, अच्छा अच्छा बढ़िया है। उसे दो रख रखा है कुत्ते से वाला, ये बोक बोक ये है इनका, बोक बकरा बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, 3 साल का है ना ये, छोड़ दो देखिए कान भी कितने लंबे लंबे हैं इसके, बाकी हाइट में थोड़ा छोटा है इस वाले से, क्योंकि इसकी इन्होंने नसबंदी करवा दी है, इसकी नहीं करवाई है। चलो वो हाँ एक यहाँ भी है पर ये उठ गया बेचारा, हाँ ये देखिए इसका तो एक सींग टूट गया है, ये क्या लड़ाई में टूटा, लड़ाई में अच्छा अच्छा लड़ाई में टूटा है, हाँ आपस में लड़ते हैं ये। आप बोल रहे हैं कि आपने इनके साथ भेड़ बकरियाँ चराई है, आपके साथ कितने टाइम तक रहा है ये, 1.5 महीना, दो महीने चराई इन्होंने, अच्छा अच्छा वैसे ये लोकल है मैं आपको बता दूं, चौंटू का,
हाँ और क्या। ये तो मेरे अंडर हुए दो मारा खाई नहीं है खाना दोस्त खा रहे खाना खाने के साथ पियेंगे अभी ट्रॉपिकाना का जूस दिखाना जरा देखिए हाँ ट्रॉपिकाना सेब का जूस है ये देखिए आका मारा तो आस तो फिर तू कर के दी याद दे दे खाना क्या मारी पुरानी जा जूस नमकीन तो है नहीं इसके साथ बस ऐसे ही है पानी की तरह तो है आजकल बाद में कत्ती समार चाय है ना तब कंपनी ऐसी है फ्रॉडी जिंदा की मिटनी ये जल गया ना ना अर की रे ठर की है बगला रे पागल बगला रे पागल गपचोदिया मारने आ रही थी अभी संतरे का जूस पी रहे हैं ये एम मैंगो संतरे का संतरे का पहले किसका था सेब का पहले सेब का था वो परमाणु से लाया था नीचे से वो वैक्सन कंपनी नहीं है जहाँ पर स्पीड बनता है उस कंपनी से लाया था वो आ रहे तो पसीने पे गया मेरा नाम रावण रावण डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और पोस्ट ऑफिस देवट आपकी उम्र है 70 साल है ना हाँ जी 75 मेरी सदर की 75 है हाँ इनकी 75 है 75 साल की उम्र में भी इतना पैदल चलते हैं जंगलों में है ना वो चलना पड़ता है क्या करना रोटी तो खानी खानी है ये तो है मेरे कमाए तो रोटी मिलती नहीं है चुराहा जाओ बधरा जाओ जम्मू जाओ कश्मीर जाओ चंबा जाओ और सोलन जाओ रोटी नरपाल से हम घूमे आगे नहीं पढ़े लिखे बच्चे है ना ज्यादा खोते हो चुके हैं और क्या जीरो है माँ बड़ी की इज्जत कोई नहीं है क्या इज्जत माँ बड़ी अच्छा माता पिता की इज्जत नहीं करते कोई इज्जत नहीं करते पर मैं खाना नहीं खाऊंगा खाना भी क्या घर में बना है ना नहीं मेरी बात चाहे आप एक ही गिरा खाओ वो नहीं बात है आदमी की पहचान का पता तो भी चलता है सुनो चलते है मतलब भी आते हैं और आज तो धाम लाई है कहीं पे फंक्शन था वो पता नहीं कहीं आवा से लिया है एक ही जगह से थी मार रही थी एक शर्मा जी थे हमारे वो अमीरपुर से उनके आए थे वहाँ पर वो मुंडे के पटवाल थे अच्छा फंक्शन था फंक्शन था तब मैंने बोला ये भी हमारे ऊपर की ये बंदे तो ये हमारी जखपानी था मैं घर को बोल ले गया हम मर जाएंगे ना बाद में कोई मेरी बात याद आ गई तो आप पछताएंगे मेरे बाप बोला नहीं बेटे कहीं घर तो निकल आदमी की बात आंखों में आंसू होते हैं मुझे बोला था बेटे ने हर आदमी के साथ लिमिट से चलना आपके पापा ने अब तो पापा जी मर गए हम तो चले पापा मरे मेरे 110 साल के मरे 110 साल की उम्र में हाँ सच बोल रहे हैं ये हम मुझे पता है अच्छा इनके मामा जी थे मेरे भाई के 110 साल हाँ तो उनकी बात याद आती है याद आती है अगर मेरे पापा जीते हो ना मानी गाड़ी देते वो भी मारे को काम आनी थी कभी नहीं कभी अच्छा गाड़ी भी देते थे वो भी काम आती बच्चा सा ये है कढ़ी और साथ में है चपाती तो खा लेते हैं अभी पकौड़े वाले कढ़ी खा लेते हैं ऑन है ये अच्छा मैंने बोल देना कुछ आपके साथ रह के हाँ बस हाँ बहुत ही टेस्टी है खा लेते हैं खाओ ये बोल देना तुसे फिर तू सरी आई रिया शर्म जी रिया खाना मैंने खा लिया 9 बज गए हैं तो अभी मैं जा रहा हूँ मेले में तो मिलते हैं आपसे खाता जा
यार।